सर्दियों के मौसम में लिप्स और एड़ियों की त्वचा क्यों फटती है और ऐसा अक्सर सर्दियों में ही क्यों होता है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सर्दियों के मौसम में ऐसी क्या सिचुएशन बनती है कि लिप्स और एड़ियां फटने लगती हैं और ऐसा ज्यादातर सर्दियों में ही क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए और आप इससे कुछ नया सीखें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं हूं कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर। तो शुरू करते हैं, चलिए स्क्रीन पर देखिए। ठंड में ही लिप्स और एड़ियां क्यों फटती हैं, इसे जानने के लिए हमें समझना होगा हमारे स्किन और ठंड के एनवायरनमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ठंड के मौसम में हमारे आसपास की हवा में क्या क्या बदलाव आते हैं जो हमारी लिप्स और एड़ी की स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ देखिए, हमने ठंड और गर्मियों को समझाने के लिए दो सीन आपके सामने रखे हैं। यहाँ सर्दियों का मौसम है और इस तरफ गर्मियों का मौसम है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उस हवा में क्या क्या मौजूद होता है? इस हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, साथ ही कुछ और गैसेस भी होती हैं जैसे हीलियम, नियॉन, मीथेन आदि। इसके अलावा धूल, पराग और कुछ बैक्टीरिया और वायरस भी हवा में होते हैं। हवा में इतनी सारी चीजें होती हैं पर आपके लिप्स और एड़ियों की स्किन के फटने या ना फटने में इस एक चीज का खास रोल होता है और ये है जलवाष्प यानी वाटर वेपर। आप में से कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि हवा में पानी कैसे हो सकता है, तो आपको ये जानना चाहिए कि जब आप गीले कपड़े को सुखाते हैं या किसी बर्तन में थोड़ा पानी रखकर खुला छोड़ देते हैं तो वो पानी सूख जाता है। तो यहाँ सवाल ये है कि सूखने पर यह पानी आखिर जाता कहाँ है? तो इसका जवाब यह है कि ये पानी भाप यानी जलवाष्प बनकर हवा में मिल जाता है। ये पानी नदी, तालाब, झील, नाले, गड्ढे, आपके घर के गार्डन, गमले आदि हर जगह से जलवाष्प बनकर उड़ता है और हवा में मिक्स होता रहता है। यहाँ तक कि आपकी स्किन से भी ये पानी वाष्प बनकर हवा में उड़ता रहता है। तो अब आप जान गए हैं कि हवा में पानी भी होता है और हवा में ये पानी कहाँ से आता है। हवा में ये जो पानी मौजूद होता है उसे आर्द्रता या नमी भी कहते हैं और इसे अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठंड के मौसम में तापमान कम होता है, ज्यादा गर्मी नहीं होती, इसलिए पानी कम सूखता है और हवा में पानी कम इकट्ठा होता है। गर्मियों के दिनों में ठीक इसका उल्टा होता है। इसका मतलब है कि गर्मियों में तापमान बढ़ने से बहुत ज्यादा गर्मी होती है और पानी भी ज्यादा सूखता है और हवा में ज्यादा पानी इकट्ठा होता है। तो यहाँ देखिए, ठंड के दिनों में हवा में पानी की मात्रा बहुत कम होती है लेकिन गर्मियों के दिनों में हवा में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। अब हम इन्हें कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं और हमारे स्किन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो हमारे लिप्स की स्किन होती है वो हमारे इन दूसरे पार्ट्स की स्किन से बहुत अलग होती है। सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि लिप्स की स्किन इन सभी स्किन से ज्यादा पतली होती है और एड़ी की स्किन इन सभी स्किन से ज्यादा मोटी होती है। शरीर के इन दूसरे पार्ट्स की स्किन में तेल ग्रंथियां और पसीने की ग्रंथियां भी होती हैं, लेकिन लिप्स की स्किन में तेल ग्रंथियां और पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं और एड़ी में तेल और पसीने की ग्रंथियां बहुत कम होती हैं। अब हम इन दोनों मौसमों के साथ इन स्किन्स को देखेंगे। यहाँ ठंड के मौसम में तापमान कम है और हवा में पानी भी बहुत कम है। इसका मतलब है कि ये हवा बहुत शुष्क है यानी ड्राई है। ये ठंडी और ड्राई हवा जब आपकी स्किन को छूती है तो स्किन को भी ड्राई बनाती है, क्योंकि इस स्किन के रोम छिद्रों से यानी पोर्स से जो पानी या पसीना और तेल निकलता है उसे ये हवा जल्दी से खींच लेती है और अपने आप में मिला लेती है। क्योंकि ठंडी और शुष्क हवा में नमी पहले ही कम है इसलिए इसके पास नए पानी को सुखाकर अपने आप में मिलाने के लिए बहुत सारी जगह खाली है।
सर्दियों के मौसम में तापमान कम होने की वजह से ये हवा खुले में रखे हुए ठंडे पानी को ज्यादा नहीं सुखा पाती, लेकिन आपकी गर्म स्किन से निकले पानी को ये हवा जल्दी सुखा लेती है। अब अगर पीछे से सप्लाई बनी रहे तो ठीक होगा, नहीं तो स्किन शुष्क हो जाएगी, यानी ड्राई हो जाएगी। अब इस लिप को देखिए, लिप की जो स्किन है वो बहुत पतली होती है और इसके पास पसीना और तेल निकालने वाली ग्रंथियां भी नहीं होती। बिना तेल और पसीने के ये लिप की स्किन बहुत जल्दी सूख जाती है और इस स्किन का लचीलापन कम हो जाता है। ऐसे में जब आप स्माइल करते हैं या लिप की स्किन पर किसी भी तरह का खिंचाव होता है तो ये लचीलापन कम हो जाने की वजह से ये स्किन फटने लगती है और आपको दर्द शुरू हो जाता है। और ऐसा ही एड़ी के साथ भी होता है। यदि शरीर हाइड्रेटेड ना हो और सही मात्रा में पानी और तेल इस एड़ी वाली स्किन से ना निकल पाए तो ये स्किन भी लिप की तरह ही सूख जाती है और खिंचाव पड़ने पर फट जाती है। यहाँ दूसरी तरफ गर्मियों के मौसम में ज्यादा तापमान की वजह से हर तरफ से पानी सूखकर हवा में इकट्ठा होता रहता है और हवा में पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है। ये गर्मी वाली हवा ठंड वाली हवा की तरह ड्राई हवा नहीं है, बल्कि इसके पास पहले से ही बहुत पानी है और ये हवा जब आपकी स्किन को छूती है तो ये आपकी स्किन से निकले हुए पसीनों को अपने साथ तो ले जाती है, लेकिन आपकी स्किन को शुष्क नहीं बनाती, क्योंकि इस हवा के पास पहले ही काफी मात्रा में पानी होता है, इसलिए पूरी तरह आपकी स्किन को नहीं सुखाती। ये हवा थोड़ा पानी अपने साथ ले जाती है और अंदर से निकलने वाला पसीना और तेल आपकी स्किन को गीला बनाए रखते हैं। इसका मतलब है कि गर्मियों के मौसम वाली हवा आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करती है। गर्मी में कोई गीला कपड़ा जब सुखाने के लिए लटकाया जाता है तो गर्म वातावरण की वजह से वो कपड़ा पूरी तरह से सूख जाता है, लेकिन आपकी स्किन पूरी तरह से शुष्क नहीं होती। इसके लिए हवा में मौजूद नमी जिम्मेदार है। लिप की स्किन में पसीने और तेल की ग्रंथियां ना होने पर भी ये लिप गर्मियों में पूरी तरह नहीं सूखते, इनमें लचीलापन बना रहता है क्योंकि हवा में पानी ज्यादा है, हवा शुष्क नहीं है। ठीक ऐसा ही एड़ियों की स्किन के साथ भी होता है। अब आप जान चुके हैं कि सर्दियों में आपकी स्किन क्यों शुष्क हो जाती है और आपके लिप्स और एड़ियां क्यों फटते हैं। अब हम जानेंगे कि इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठंड में लिप और एड़ियों को फटने से बचाने के उपाय। आपने ये देखा होगा कि कुछ लोगों के लिप्स या एड़ियां सर्दियों में भी नहीं फटते और कुछ लोगों के लिप और एड़ियां सर्दियों के साथ साथ गर्मियों में भी फटते हैं। तो लिप और एड़ियों की स्किन के फटने की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले पानी की कमी को दूर करना चाहिए। कुछ लोग सर्दियों में कम पानी पीते हैं, उन्हें स्किन फटने की समस्या बहुत ज्यादा होती है, तो पर्याप्त पानी पीकर अपने आप को हाइड्रेट रखने की जरूरत है। जब आप साबुन या साबुन जैसी किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन साफ तो हो जाती है, लेकिन साथ में जो नेचुरल तेल आपकी स्किन से निकलता है वो भी पानी के साथ बहकर चला जाता है। ऐसे में आपकी स्किन की तेल ग्रंथियां काम करेंगी और फिर से आपकी स्किन पर तेल की परत लगा देंगी। लेकिन यदि आप बार बार अपनी स्किन को साबुन से धो रहे हैं तो फिर आपकी तेल ग्रंथियां जल्दी जल्दी नया तेल नहीं बना पाएंगी और आपकी स्किन शुष्क हो जाएगी। इससे बचने के लिए आपको खुद ही कोई तेल या क्रीम अपने स्किन पर लगाना पड़ेगा ताकि स्किन शुष्क ना हो। ये तेल की परत हवा से आपकी स्किन को बचाती है और आपकी स्किन से निकलने वाले पानी को जल्दी सूखने नहीं देती। लिप की स्किन में तेल और पसीने की ग्रंथियां नहीं होती और एड़ियों में ये ग्रंथियां बहुत कम होती हैं, इसलिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए और यदि जरूरत महसूस हो तो अपनी स्किन को तेल, क्रीम या बाम जैसी किसी चीज से मॉइस्चराइज बनाए रखें ताकि आपकी स्किन सूखने से बच जाए। ज्यादा गर्म पानी से नहाने से भी आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स कम हो जाते हैं, इसलिए अधिक गर्म पानी से ना नहाएं। और अगर आपने ज्यादा गर्म पानी से नहाया है तो फिर अलग से किसी तेल या क्रीम का उपयोग करें जिससे आपकी स्किन सूखने से बच सके। आपको अपनी स्किन को ठीक रखने के लिए विटामिन्स पर भी ध्यान देना चाहिए, खास तौर से विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए। विटामिन सी स्किन के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। विटामिन सी कोलेजन के उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है जो त्वचा के लचीलेपन और मजबूती के लिए जरूरी है। विटामिन सी के लिए आप अपनी डाइट में संतरा, नींबू और आंवला जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा को नुकसान से बचाता है। ये आपको बादाम, अखरोट, टमाटर, पालक, मेथी आदि से मिल सकता है। विटामिन ए स्किन की कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देता है।
ये आपको गाजर, पपीता, दूध और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे आदि से भी मिल सकता है। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जरूरत से ज्यादा विटामिन भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए अपने डॉक्टर से जांच करवाएं और आपके शरीर में जिन विटामिन की कमी हो सिर्फ उन्हीं विटामिन को लें और वो भी डॉक्टर की सलाह से। यदि आप ठंड के दिनों में बंद कमरे में हीटर या आग जलाते हैं तो ये भी सही नहीं है। आग जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की एक जहरीली गैस निकलती है। यदि कमरा बंद है तो ये गैस कमरे में जमा हो जाती है और सांस लेने पर आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह गैस रक्त में ऑक्सीजन के बहाव को रोकती है जिससे दम घुट सकता है और जान भी जा सकती है, इसलिए हमने कहा कि बंद कमरे में आग बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। अब हीटर के बारे में जान लेते हैं। ठंड के दिनों में हवा में पानी पहले ही कम होता है और यदि आप बंद कमरे में हीटर जलाते हैं तो कमरे की हवा में ह्यूमिडिटी यानी पानी का लेवल और भी कम हो जाता है। इससे आपकी स्किन और भी जल्दी सूखने लगती है, तो इससे बचने के लिए आपको खिड़की या दरवाजे को थोड़ा सा खुला रखना चाहिए और कमरे में हीटर से कुछ दूरी पर एक कटोरे या बर्तन में पानी भरकर खुला रख देना चाहिए। इससे आपके कमरे की हवा में पानी का लेवल बहुत ज्यादा नहीं घटेगा। तो अब आप जान चुके हैं कि ठंड के दिनों में आपके लिप और एड़ियों की स्किन क्यों फटती है और इससे बचने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और हमारे इन मोशन ग्राफिक्स और 3D मॉडल की मदद से आपने आज बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो सच में पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन सभी खास लोगों को जिन्हें आप ये जानकारी देना चाहते हैं। और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। और यदि आपको हमारा वीडियो सच में पसंद आया और आप हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस थैंक्स बटन पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ UPI की जानकारी भी दी गई है। साथ ही हमें कमेंट कीजिए यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। तो और भी जानकारी भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।